कानपुर के रायपुरवा में दवा कारोबारी और भाजपा पार्षद के बीच हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में भाजपा नेता अंकित शुक्ला और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस ने अब अंकित शुक्ला सहित सभी आरोपियों पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें भी गठित की गई हैं। इस मामले में व्यापारियों ने DCP स्वरूप नगर से मुलाकात करते हुए उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों का कहना है कि अगर जल्द ही आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बता दें कि शनिवार देर रात कार को ओवरटेक करने को लेकर भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला, उनके पति अंकित शुक्ला का हेलट के सामने परफेक्ट सर्जिकल के मालिक अमोल दीप सिंह भाटिया से विवाद हो गया था। दोनों पक्षों में बीच सड़क पर जमकर लात घूंसे चले थे, जिसमें अमोल दीप गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। दोनों पक्षों के इस घटना को लेकर अपने अपने तर्क और आरोप हैं। सर, ये जो हमारे अमोल भाटिया के साथ जो घटना हुई है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें बड़ा मतलब निंदनीय कार्य किया गया है इनके साथ में। और इनको जो उनके ऊपर प्राण घातक हमला हुआ उसको देख कर सारा व्यापारी बहुत हैरान और परेशान है, जिसकी वजह से और प्रशासन बिल्कुल इतनी भीड़ लिए हुए है कि उनकी हिसाब से लगता है कोई पैरवी कर रहा है और उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है इनको ना गिरफ्तार करने में, ना इनके ऊपर कोई कैसे केस दाखिल करने में और ना ही इनकी कोई समस्या समाज इनके परिवार की सुरक्षा करने में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं राजेश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष कानपुर उद्योग व्यापार मंडल श्याम बिहारी मिश्रा ग्रुप से आया हूँ। मैं व्यापारी, जो हमारा व्यापारी अमरजीत है, उसके ऊपर जो हमला किया है पार्षद ने, तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अपराधी कोई भी हो, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे पार्षद हो। सत्ता पक्ष का दबाव उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आज नहीं गिरफ्तार किया जाता, 24 घंटे का हमें समय दिया गया, नहीं गिरफ्तार किया जाता है, तो व्यापारी समाज पूरा बैठ कर एक रणनीति बनाएगा। हमारा आखिरी अस्त्र है कानपुर बंद। अगर 48 घंटे का समय दिया गया, 48 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती, तो हम लोग बैठ कर कानपुर बंद का आह्वान करेंगे और कानपुर बंद में भी नहीं बनता चलता तो प्रदेश भी बंद करने का हम लोग आह्वान करेंगे। मामले में पार्षद पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने में भी पुलिस ने 18 घंटे का समय लगा दिया था। देखिए, रायपुरवा में गाड़ी को ओवरटेक करने के विषय पर जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और शुरू में यह मुकदमा 354, 324, 504, 506 में दर्ज किया गया था। मेडिकल लीगल ओपिनियंस लेने के तुरंत बाद इसमें 326 जो कि आजीवन कारावास की धारा है, जिसमें न्यूनतम 10 वर्ष की सजा अधिकतम आजीवन कारावास है, 326 जोड़ा गया। साथ में इसमें 148, 149 जोड़ा गया। अब तक 5 अभियुक्तों के नाम इसमें खोले गए हैं। अभियुक्तों के नाम हैं अंकित शुक्ला, सत्येंद्र वाजपेयी, अंकुर सिंह, यशस्वी शुक्ला और सूरज तिवारी। और विवेचना के क्रम में धाराएं बढ़ाई गई हैं। गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। गिरफ्तारी के लिए प्रयास लगातार जारी है और टेक्निकल असिस्टेंस के लिए भी टीम गठित की गई है, जो कि सर्विलांस और अदर टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। हमने लोगों को सूचना देने के लिए इनाम भी डिक्लेयर किया है कि यदि कोई व्यक्ति इनकी सूचना देता है तो उन्हें 25-25 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति जो अभियुक्त हैं, एक DCP सेंट्रल की तरफ से इनाम घोषित किया गया है। साथ में 5 टीमें गठित की गई हैं और ये 5 टीमें 5ों अभियुक्त के ऊपर अलग अलग काम कर रही हैं। जहां कहीं भी सूचना है वहां पे रेड एंड सर्च का ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और हम सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह पूरी तरह से कमिटेड हैं कि अगर कोई रिलीफ के लिए एप्लीकेशन जाती है तो हम वहां पर उसको अपोज करेंगे और हम ये अपना पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसा कोई रिलीफ ना मिले। तो हम न्यायपूर्ण कार्यवाही के लिए, सही सही कार्यवाही के लिए और शासन की मंशा के अनुरूप मजबूत कार्यवाही के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और हम